खाना बदोशों की शामत आ गई। खाना बदोशों को आप कराची छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। खाना बदोशों के खिलाफ जो है कार्रवाई जारी हो गई है, ऑपरेशन उनके खिलाफ शुरू हो गई है। आप ये देख सकते हैं कि आशा मंजिल फ्लाईओवर के नीचे जो खाना बदोश ने जो कब्ज़ा किया हुआ है, और ये खाना बदोश वो है जो कि यहाँ पर आप बाहर से आते हैं और बाहर से आके यहाँ का ये माहौल ख़राब करते हैं और रात को यहाँ रहते हैं। दिन में इन्होंने पूरा यहाँ पर आशियाना बनाया हुआ है और आशिया बनाने के बाद ये जो है दिन में भीख मांगते हैं। पूरा कराची का माहौल इन्होंने ख़राब किया हुआ है। ये कार्रवाई जो है हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची जनाब डॉक्टर सैयद सैफुर्रहमान साहब और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर जनाब सुजात हुसैन साहब और सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बल्दिया उज़्मा कराची जनाब इमरान अहमद साहब की हिदायत पर पाकिस्तान आशा मंजिल फ्लाई ओवर के नीचे खाना बदोशों के खिलाफ गुलबर्ग डिवीजन एंटी इंक्रोचमेंट KMC की कार्रवाई जारी है। फ्लाईओवरों के नीचे जेर कब्ज़ा जगहों को खाना बदोशों से खाली कराया जा रहा है। दोस्तों, इस कार्रवाई में शामिल है डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिस्ट्रिक्ट सेंटर कामरान अलवी साहब और डिप्टी डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट महमूद सिद्दीकी और स्टाफ शामिल है इसमें। दोस्तों, ये छोटी सी अपडेट थी आप लोगों के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम भी मोटिवेट हो जाए और आपके लिए मुख्तलिफ जगहों से इस तरह की वीडियो लेके आ जाए। इसके साथ मुझे जा दीजिए। अपना और अपने चाहने वाले का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगेबान।